अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल PPSC इम्पोर्टेंट MCQs। और आज का जो हमारा MCQs है वो ये है, ए सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। उर्दू में अगर इसको देखें कि एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है जो 600 यूनिट्स बनाती है 9 डेज़ में, कितनी मशीनों के साथ? 20 मशीनों के साथ। तो कितने यूनिट्स बनेंगे अगर हमारे पास 12 डेज़ हों और 18 मशीनें हों? तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं इधर, यूनिट्स हैं, डेज़ हैं और मशीन्स हैं। तो वो तीनों मैंने लिख ली हैं, यूनिट्स, डेज़ और मशीन्स। उसके बाद यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले यूनिट्स कितने थे? 600। तो 600 लिख लिए। उसके बाद डेज कितने थे हमारे पास? 9। और मशीन कितनी थी? 20। यानी कि 20 मशीनें 9 दिनों में 600 यूनिट्स बनाती थी। अब हमारे पास यूनिट्स मालूम करने, हाउ मैनी यूनिट्स, वो हमने लेट्स सपोज एक्स ले लिए यूनिट्स, और कितने डेज में बनाते हैं? 12 डेज में। और मशीनें कितनी रह गई हैं अब? 18। यानी कि अब हमने ये मालूम करना है कि 18 मशीनें 12 दिनों में कितने यूनिट बनाएंगी। तो ये एक है प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये प्रोपोर्शन की कंडीशन नंबर 3 है, मुरकब प्रोपोर्शन है ये। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? तनासब। और ये तनासब मुरकब का क्वेश्चन है, यानी कि तीन इसके अंदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। अब हमने इनकी एरो रिप्रेजेंटेशन करनी है। सबसे मेन जो पॉइंट है ना, वो एरो रिप्रेजेंटेशन का होता है। अगर आपने एरो रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से समझ ली तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। दोबारा देखें इसको, यूनिट्स कितने थे हमारे पास? 600। 9 दिनों में, यानी कि 9 दिनों में 20 मशीनें 600 यूनिट्स बनाती थी। तो अब कितने यूनिट्स बनेंगे अगर 18 मशीनें हों और 12 दिन हों? सबसे पहले हमने यूनिट्स को डेज के साथ कंपेयर करना है। तो 9 डेज में 600 यूनिट्स बने थे, अब हमारे पास डेज बढ़ गए हैं, दिन बढ़ गए हैं, तो साफ जाहिर है हमारे पास यूनिट्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो ये कौन सा तनासब हो गया? अगर एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। पहले हमारे पास 9 दिन थे, 600 यूनिट्स बनते थे, अब डेज हमारे पास 12 हो गए हैं, यानी कि डेज बढ़ गए हैं, दिन ज़्यादा हो गया, तो वो चीज़ें ज़्यादा बनेंगी फिर। तो ये तनासब रास्त हो गया, अगर एक मकदार भी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तनासब रास्त में हम एरो रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं? दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तनासब रास्त की कंडीशन क्या होती है? दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब हमने एरो किस तरह लगाना है? कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे ना 12 डेज में। तो ये हमने दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों लगाए हैं? क्योंकि तनासब रास्त है, तनासब रास्त में एरो डायरेक्शन सेम सिमत में होती है। अब हमने ये यूनिट्स, क्योंकि हमने असल तो यूनिट्स मालूम करने हैं ना, मशीन्स के साथ कंपेयर करना है। पहले 600 यूनिट्स थे हमारे पास, वो 20 मशीनें बनाती थी। अब हमने मालूम करना है कि 18 मशीनें कितने यूनिट्स बनाएंगी। पहले 20 मशीनें 600 यूनिट्स बनाती थी, अब 18 मशीनें रह गई हैं, मशीनें कम हो गई हैं, तो डेज भी कम बनेंगे ना। एक मकदार कम हो रही है, दूसरी भी कम होगी, क्योंकि पहले 20 बंदे थे, 20 मशीनें थी या 20 बंदे काम करने वाले थे, अब 18 बंदे या मशीनें रह गई हैं काम करने वाले, तो 18 हो गई, तो फिर वो यूनिट भी कम बनाएंगी। इसलिए एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। तो ये भी क्या है? तनासब रास्त। और तनासब रास्त में हमने क्या देखा था कि एरो डायरेक्शन, एरो सेम डायरेक्शन में होती हैं। अब अगर ये डाउन की तरफ है तो ये एरो भी खुद ब खुद डाउन की तरफ आएगा। ये पॉइंट नहीं देखना कि कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि इधर तो 20 था, इधर 18 है, तो ये तो फिर इस तरह एरो गलत हो जाएगा। हमने असल जो एरो की डायरेक्शन होती है वो उसकी इस बेस पे लगाना होता है कि इनके दरमियान कौन सा तनासब है, तनासब रास्त है या तनासब मकूस है। तो इन दोनों के दरमियान, यूनिट्स और मशीन्स के दरमियान तनासब रास्त है। अगर इसका एरो इस तरफ था तो इसका एरो भी इस तरफ। अब हमने इनके दरमियान एरो डायरेक्शंस लगा ली हैं, जो कि हमारा मेन पॉइंट था। उसके बाद इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो जिन क्वांटिटीज़ के सामने, यानी कि एरो कैप है, यानी जैसे ये इसके साथ है, ये 12 के सामने एरो कैप है ये, तो ये इस तरह, इनको इस तरह लिखना है अब कि
एक्स ऊपर होंगे यानी कि, और बटे में क्या होंगे 600, और जो एक्स वाली क्वांटिटीज होगी ना उसके वो बराबर में होगी, और ये दोनों आपस में जो एक्स के बगैर होती हैं जो जिनको हमने जो हमें मालूम होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो इधर अब क्या आएगा, 12 ऊपर बटे में कितना होगा 9, डिनोमिनेटर में 9 होगा, और ज़रब होंगे अब दोनों ही, तो ये 18 बटे में 20। सिंपली यानी कि क्या है, इधर भी एक्स नीचे था, एरो इसके सामने था, तो एक्स ऊपर और ये रकम नीचे, और बराबर एक्स वाली के साथ बराबर लगेगी। जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो बराबर, उसके बाद जो मालूम होती है दोनों चीज़ें उनके साथ वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो इधर 12 के साथ कैप था सामने तो वो भी ऊपर, 18 के साथ भी कैप था वो भी ऊपर। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर ले बस, अब अगर हम इसको काटते 9 1 9, 9 2 18, इसी तरह इसको 2 पे काटते, बल्कि 4 पे काटते, 4 3 12 और 4 5 20। तो इधर हमारे पास क्या था, एक्स बटे में 600 था इधर तो, और इधर क्या था हमारे पास 3 बटे में 1, और ज़रब 2 बटे में 5। उसके बाद क्या आ गया, एक्स बटे में 600 इस तरह लिख लें, और यह आ गया 3 ज़रब 2 6 हो गया, और बटे में कितना है 5। उसके बाद हमने तो एक्स निकालना है, तो ये 600 इधर तकसीम और इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स आ गया हमारे पास 6 बटे में 5 ज़रब 600। उसके बाद इसको हम अगर काटते हैं इस तरह, 5 1 5 और 12 5 60, यानी कि 600 का अगर 60 ले लें तो 12 5 60 हो जाएगा। तो इधर कितना बच गया, 6 ज़रब 12, और ये पीछे सिर्फ ऐसे ही आ गई इसकी, तो ये एक्स क्या आ गया हमारे पास 6 ज़रब 120। उसके बाद इस 6 को ज़रब दे लें, अब इस तरफ से हम ज़रब देंगे 6 को, इसको 6 ज़रब 0 0, 6 ज़रब 2 12, तो 12 का 2 आ गया 1 हासिल, और 6 ज़रब 1 6 और 1 हासिल, 720 जवाब आ गया हमारे पास। यानी कि ज़रब कैसे दिया हमने, 120 ज़रब 6, तो 6 ज़रब 0 0, 6 ज़रब 2 12, 12 का 1 आ गया, और 6 ज़रब 1 6 और 1 हासिल जो हमारा था वो 7 हो गए, 720। ऐसे हमने ये निकाला है। तो हमारे क्वेश्चन में अब एक्स क्या था, एक्स कितना निकाला हमने 720, यानी कि 18 मशीनें 12 दिनों में 720 यूनिट्स बनाएंगी। ये था हमारा एमसीक्यू आज का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।